नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। आगरा में कोविड अस्पताल बनाए गए पारस हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 26 तारीख को एक मॉकड्रिल की बात कही गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच की और अस्पताल को सील भी किया था। लेकिन जांच पूरी होने के बाद इस अस्पताल को प्रशासन की ओर से क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बाद से ही लगातार इस मॉकड्रिल के दौरान मरने वालों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस अस्पताल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि इसी अस्पताल में आगरा के ही रहने वाले अशोक चावला के पिता और उनके भाई की पत्नी का इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा था। उनकी भी मृत्यु 26 और 27 तारीख को ही हो गई थी। वहीं पारस अस्पताल के खिलाफ अशोक चावला ने न्यायालय में 156/3 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए 304-120B के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। अब इस पूरे मुकदमे की पैरवी 6 अधिवक्ताओं की टीम करेगी। तो पीड़ित ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस तरह से सरकार के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी, उसके बाद अब पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए 304 और 120B की धाराएं दर्ज करवाई हैं, उसके तहत प्रार्थना पत्र दिया है। देखिए, ये आप सभी लोगों के संज्ञान में है, एक वीडियो वायरल हुआ था डॉक्टर अरंजय जैन का, पारस हॉस्पिटल का, और उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। आगरा के जनमानस ने उस पर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, परंतु सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए प्रशासन द्वारा इस सामूहिक हत्याकांड को क्लीन चिट दे दी गई अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो आज हमने न्याय के मंदिर में आवाज़ लगाई है, युवा अधिवक्ता संघ की तरफ से एक हमारे 6 अधिवक्ता साथियों का पैनल, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी, श्री सुनील शर्मा जी, योगेश लवानिया जी, पंकज कुमार जी, संत प्रकाश जी, अरुण शर्मा जी, अरुण तेरिया जी, कृष्णकांत शर्मा जी और स्वयं मैं और कई हमारे अधिवक्ता साथी शामिल हैं। हम सभी लोग अशोक चावला जी की तरफ से आज हमने दाखिल कर दी 156, और जो भी पीड़ितों से हम संपर्क बनाए हुए हैं, जो भी व्यक्ति हमारे समक्ष आएंगे, उनका हम निशुल्क यहाँ पे वाद दाखिल करेंगे, उनको सहायता निशुल्क प्रदान करेंगे युवा अधिवक्ता संघ की तरफ से, और उनकी सारी कानूनी लड़ाई को यहाँ से लेके माननीय उच्च न्यायालय तक भी अगर जाना पड़ेगा तो युवा अधिवक्ता संघ पीछे नहीं रहेगा, लेकिन सभी पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। अशोक चावला नाम है मेरा। 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को इस श्री पारस हॉस्पिटल में मेरे पिताजी की और छोटे भाई की धर्मपत्नी की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु तो नहीं कह सकता, लेकिन मेडिकल हत्या जो पारस डॉक्टर रंजन जैन के द्वारा की गई थी, और उसके बाद जो प्रशासन के द्वारा जो उसको क्लीन चिट दे दी गई डॉक्टर रंजन जैन को, मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, क्लीन चिट मिल गई थी पारस हॉस्पिटल को, उसके बाद पीड़ितों ने जो FIR दर्ज करवाई है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कीर्ति, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जब ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद प्राइम टीवी ने भी लगातार इस खबर पर अपनी पूरी निगाह बनाई हुई थी, और लगातार उस हॉस्पिटल के लिए जो जिसने ये मेडिकल हत्या जो की थी उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाई थी, जिसके दौरान इसको सील भी किया गया था और जिलाधिकारी के द्वारा टीम बनाकर इस पर जांच के आदेश भी किए गए थे। लेकिन वही जब इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ एक बार आपको कि प्राइम टीवी की टीम भी लगातार दौरे के बाद इसको बताया गया था कि जिलाधिकारी की जहाँ गर्दन फंस रही थी, तो जिलाधिकारी ने वहाँ जो टीम बनाई थी उस टीम के द्वारा उस हॉस्पिटल को अब क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बाद से जो वहाँ जिनके जो मरीज थे उनके बीमारदार थे उनमें एक आक्रोश आया, और उसके बाद लगातार यहाँ आंदोलन भी हुए, राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन किए, लेकिन उससे भी यह प्रशासन के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। उसके बाद में एक बीमारदार थे मरीज के अशोक चावला, उन्होंने न्यायालय की शरण ली, और न्यायालय की शरण लेने पर वहाँ का जो वकीलों का एक पैनल है 6 लोगों का, उन लोगों ने उनको हर संभव मदद देने का मतलब काम किया है, और साथ में न्यायालय मुकदमे के बाद एक बार फिर से पारस अस्पताल के ऊपर जांच टीम बैठाई जाएगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, अभी न्यायालय में मामला, अभी उन्होंने 156/3 नई मामला डाला गया है, जिसमें 304-120B के तहत अपना न्यायालय में अपना आवेदन पेश किया है, और उस पर जरूर मैं ये मानता हूँ वो, और सारे लोग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं वो लोग भी ये मानते हैं कि न्यायालय से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा, और वहाँ इसकी सुनवाई होगी और द्वारा से पुनः इसकी जाँच होगी, और इस जाँच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से बिल्कुल कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल मानना हमारा भी है और पीड़ित जो लोग हैं उनका भी यही मानना है, और न्यायालय के
जो एडवोकेट है वहाँ के जो वकील है उन्होंने भी ये कहा है कि एक पीड़ित अगर वहाँ सामने आया है और भी पीड़ित अगर कोई सामने आता है तो उसका भी पूरा केस लड़ने का जितना भी खर्चा खर्चा होगा वो हम लड़ेंगे। जुड़ने के लिए, तो हालांकि पारस हॉस्पिटल को मॉकड्रिल मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ने लग गया है। जिस तरह से पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अब देखना अहम होगा कि क्या दोबारा से जांच कमेटी बनाकर पारस हॉस्पिटल पर जो 26 तारीख को मॉकड्रिल किया गया था उस पर दोबारा से कार्रवाई होती है और किस तरह से पीड़ितों को इंसाफ मिल पाता है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली के क्षेत्र में दहेज लोभियों ने गर्भवती महिला विवाहिता के साथ मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। ससुरालियों की मारपीट से विवाहिता का गर्भपात हो गया, जिससे महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़िता की मां का आरोप है कि दहेज न देने पर ससुरालियों ने उसकी बेटी के साथ मारपीट किया। पीड़िता समेत विवाहिता की मां ने SP से न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग भी की जा रही है। फिर वहाँ लगे कार लगे कार लेते आओ 3 लाख रुपए। उसके बाद सब नहीं हुआ, मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ, हम रोने लगे, लात मारी, 3 महीने का बच्चा था वो ख़त्म हो गया। और जब हमारा दर्द होने लगा तो कहने लगे वो कोवरेन इंजेक्शन लगवा लगवा के हमारा दशा खराब कर दो, जब ज़्यादा दर्द होने लगे तो चौराहे पे छोड़ के भाग गया। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता तस्लीम जुड़ चुके हैं। तस्लीम, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है। कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र का है। जो पीड़ित विवाहिता है वो रसूलाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसकी शादी 7 महीने पहले कानपुर नगर के कर्नलगंज में हुई थी। वहीं पीड़िता की मां का पीड़िता का आरोप है कि दहेज में कार व अतिरिक्त दहेज मांग की जब ससुराली उन्होंने की है तो उसपे ससुराली पीड़ित विवाहिता जो देने से इनकार किया, नहीं दे पाई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने दुहाई दी, लेकिन इसके बावजूद जो ससुराली जन थे उसने महिला के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान जो महिला के पेट में 3 महीने का गर्भ था वो उसका गर्भपात कराना पड़ गया। जो ससुराली जन थे उन लोगों ने इतना ही नहीं, जो विवाहिता को मारपीट करके उसके घर रोड पे ही छोड़ गए, तब जाकर के उसके मां ने जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके गर्भपात कराया। लेकिन SP से गुहार भी लगाई गई है, इस मामले पर जानकारी दी गई है उन्हें, तो उनकी तरफ से अभी कोई कार्रवाई की गई है, कोई एक्शन लिया गया है? SP में के यहाँ पे पहुंच के पीड़िता व पीड़िता की मां ने न्याय की गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि थाना प्रभारी रसूलाबाद से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मेरे मामला संज्ञान में नहीं आया है और महिला कहीं भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसके आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तस्लीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दहेज लोभियों की एक शर्मनाक हरकत, आपने देखी कि किस तरह से एक 3 माह की गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर दहेज लोभियों ने उसका गर्भपात भी हो गया, जिसके चलते SP से मदद की गुहार लगाई हुई है। खबर बुलंदशहर के खुर्जा तहसील से है, जहां बजरंग दल ने ट्विटर पर देश के खिलाफ गद्दारी का आरोप लगाया है, साथ ही ट्विटर के खिलाफ FIR की कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि ट्विटर पर आरोप लगाया है कि उसने विश्व के नक्शे पर भारत के मानचित्र से कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रवीण भाटी का आरोप है कि ट्विटर ने दुनिया को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर मानचित्र से छेड़छाड़ की है। कल दोपहर जब मैं 3 बजे ट्विटर चला रहा था तो मेरी जानकारी में आया कि ट्विटर ने एक अपनी कैरियर की वेबसाइट पर एक भारत का नक्शा विश्व के नक्शे में डाल रखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया है। तो ये भारत की अखंडता पर उनका हमला है, ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने जानबूझ करके किया है। एक वैचारिक युद्ध पूरे विश्व के पटल पर वर्तमान में चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से चल रहा है, तो उसमें जानबूझ करके भारत को अखंडता को छीन करने के लिए दृष्टि से कार्य किया गया है। मैं इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवांग शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवांग, मैं आपसे आना चाहूंगी, बजरंग दल जो आरोप लगा रहे हैं कि मानचित्र से कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया है, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के अंतर्गत का है, जहां पर बजरंग दल के जो एक कार्यकर्ता है, जो प्रांत संयोजक है प्रवीण भाटी, उनके द्वारा ट्विटर के अफसरों के खिलाफ, जिसमें मुख्य रूप से ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर जो मनीष माहेश्वरी है, वे इंडिया हेड, इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा जो है दर्ज कराया गया है।
जाहिर तौर पर प्रवीण भाटी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि बजरंग दल के जो प्रांत संयोजक प्रवीण भाटी है उनका कहना यही है कि जब वो अपना ट्विटर अकाउंट चला रहे थे तो उन्होंने देखा कि विश्व भारत के मानचित्र पर जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ट्विटर ने बिल्कुल अलग दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये सीधा सीधा भारत की अखंडता पर हमला है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस ने भी शिवांग इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानचित्र से कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया है, ये आरोप लगाया गया है बजरंग दल के द्वारा, और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की है FIR दर्ज करवा के कि जानबूझकर मानचित्र से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है तो ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है, जहां आरक्षण पीड़ित OBC और SC अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया। इस घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई और लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी भी घायल हुए हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग है कि आरक्षण घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। यह हम 69,000 शिक्षक भर्ती में केशव प्रसाद माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पास गए थे, और हम गए इसलिए थे क्योंकि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस 69,000 शिक्षक भर्ती में साफ साफ हमारे आरक्षण का हनन बताया है, जिसमें 27% और 21% नहीं दिया गया है। और हम इसी अधिकार को लेकर के हमने सोचा कि हम माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पास जाएंगे, हमारे पिछड़े समाज के नेता वो हमको न्याय देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने जब बोला कि हम मौर्य बिरादरी से हैं, हम अपने समाज के नेता से न्याय मांगने आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे पुलिस वालों ने सबको बस में बैठाया और फिर हमको क्या किया, उन्होंने बस से खींच लिया। और बस से खींचने के बाद हमारी बहुत पिटाई की उन्होंने, हमारे पैर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर पैर में इन्होंने मारा हुआ है, पूरा फूट गया है, और यहाँ सर में भी इन्होंने पूरा मार दिया है, और पेट में जिस तरीके से उन्होंने मारा, और ये होंठ के नीचे ये पूरा कट गया है, मतलब मुंह पे भी मारा है और पेट में भी मारा, हर जगह मारा है। बहुत बहुत ये उम्मीद नहीं थी हमें सरकार से, हम न्याय चाहते हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य, आप हमारी पीड़ा समझें, आप हमारे समाज के नेता हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ से भी हम सिफारिश करते हैं कि आप हमें न्याय दीजिए। वहीं इस खबर पर संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, वो गुहार लगाने गए थे कि उनकी आरक्षण में जो घोटाला राष्ट्र पिछड़ा वर्ग के द्वारा सामने आया है उसको लेकर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर से उन पर लाठी डंडे चले हैं। जी कीर्ति, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। हाल फिलहाल में 23 मार्च को शिक्षा मंत्री ने ये ऐलान किया था कि एक महीने के अंदर इन सभी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आज 4 महीने बीत चुके हैं और किसी की भर्ती नहीं। उसी को लेकर राजधानी के विभिन्न जगहों पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसी क्रम में आज तमाम शिक्षक जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहाँ पे जो कि वो मार्ग जो है पहले मुख्यमंत्री आवास है उसके बाद केशव मौर्य का आवास है, तो उन्हें वहीं रोक लिया जाता है, उसके बाद से लाठीचार्ज की जाती है। जी कीर्ति, लेकिन अभिषेक, एक तरफ जहां नौकरी के लिए परेशान है लोग, आरक्षण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने घोषणा की है कि कई 5400 सीटों पर घोटाला सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चार्ज किया गया, इस तरह की बर्बरता क्यों की गई, क्योंकि वो तो मांग करने गए थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। जी कीर्ति, बिल्कुल, ये एक गंभीर विषय है, इससे जरूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, एक गलत तरीका है देखा जाए तो। हालांकि इनकी मांग जो है वो 69,000 शिक्षकों कुल पदों की 27% होगी, वहीं OBC उम्मीदवारों के लिए 21% है। उन्हीं मांगों को लेकर लगातार चाह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कराया जाए, उसी मांगों को लेकर ये गए थे, जिसके बाद इन पर लाठीचार्ज किया गया और तमाम अभ्यर्थियों को अरेस्ट भी किया गया है और तमाम अभ्यर्थी चोटिल भी हुए हैं। तो ये गंभीर विषय है जिसे सरकार को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं पुलिस की बर्बरता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि जो अभ्यर्थी थे वो ये मांग कर रहे हैं लगातार कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, साथ ही साथ जो घोटाला सामने आया है 27% और 21% आरक्षण में, उसको भी लेकर कार्रवाई की जाए और रिक्त पदों पर तुरंत के तुरंत उन रिक्त पदों को भरा जाए। तो इन लोग मांगों को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां पर इस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वहीं सुल्तानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला
वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला दूसरी बीमार महिला को घर में बंद कर फरार हो गई। दरअसल पूरा मामला नगर पालिका परिषद की जलकल कॉलोनी का है, जहां नगर पालिका के जलकल विभाग में भरत सिंह नौकरी किया करते थे। नौकरी के दौरान निधन होने पर भरत की पहली पत्नी निर्मला को मृतक आश्रित के तहत नौकरी मिल गई। इस दौरान दूसरी पत्नी कविता का भी इस घर में आना जाना बना रहा। बीते कुछ सालों से पहली पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया, जिसके बाद निर्मला कुछ दिनों तक घर पर रहने लगी। तभी मृतक की दूसरी पत्नी ने उसे घर में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गई। कई दिनों तक घर से बाहर न निकलने पर पड़ोसियों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। विभागीय कर्मचारियों ने पूरी घटनाक्रम से अवगत कराते हुए पुलिस से शिकायत की है। कोरोना काल में अनलॉक के दौरान सरकार ने कई जगहों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन जिम खोलने की अनुमति अभी भी नहीं जारी हुई है। इसके बावजूद भी आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में जिम खोला जा रहा है और सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं इसी बीच जिम के बाहर दो गुटों में मारपीट हुई और इस मारपीट का लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो लगातार सरकार के द्वारा जिम ना खोलने की जो अनलॉक की प्रोसेस हुआ, लेकिन जिम नहीं खुले, उसके बाद लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग एकत्र होकर मारपीट पर उतारू हो गए। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी का शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रभावी कोरोना प्रबंध के लिए 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। साथ ही प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक तय करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जुलाई महीने के लिए कोरोना प्रबंध पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पत्र लिखकर सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को नियमित रूप से उन जिलों की निगरानी करनी चाहिए जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामलों की संख्या अधिक है, क्योंकि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और साजो सामान को अपडेट करने की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। देश भर में 1000 से अधिक लोगों के धर्मांतरण और इसमें विदेशी देशों से धन लगने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त हो गया है। प्रदेश में इस तरह के मामले को लेकर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस तथा एसटीएफ के साथ ही अन्य एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस प्रकरण में इस्लामिक देशों के साथ ही कनाडा तथा अन्य जगह से धन मिलने पर भी रुख काफी सख्त हो गया है। धर्मांतरण के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उत्तर प्रदेश एटीएस सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इनके साथियों पर भी लगातार शिकंजा कस रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। देश में अब तक कुल 4 वैक्सीनों को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से ही है, स्पुतनिक वी और अब मुंबई की औषधि कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना के टीके के आयात के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला है। कोरोना का ये 4था टीका होगा। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी पाल ने कहा कि मॉडर्ना के भारतीय साझेदार सिप्ला के मार्फत एक आवेदन मिला था, जिसके बाद मॉडर्ना के टीके को औषधि नियामक द्वारा सीमित आपात उपयोग की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।